नमस्कार दोस्तों, टीडीएस प्रोविजंस का बेसिक पर्पस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पर्पजेस से एक लूप यानी एक कनेक्शन क्रिएट करना है, जिसके थ्रू ये पता चल सके कि किस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को पेमेंट किया और जिस व्यक्ति को पेमेंट किया उस व्यक्ति ने क्या रिलेवेंट पेमेंट पर जो भी इनकम का कंपोनेंट था उस इनकम कंपोनेंट पर टैक्स दिया अथवा नहीं दिया। पिछले कुछ समय में टीडीएस के प्रोविजंस की भरमार लगातार होती चली जा रही है और इसी सीरीज में दोस्तों एक नया टीडीएस सेक्शन सेक्शन 194Q फाइनेंस एक्ट 2021 से इंसर्ट हुआ, जिसके थ्रू टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स यानी लाइबिलिटी परचेजर के ऊपर डाली गई कि जब वो गुड्स का परचेज कर रहा है तो परचेजर को सेलर से टीडीएस काटना है। आज की इस वीडियो में इसी सेक्शन 194Q पर एक सारगर्भित डिस्कशन आपके सामने रखने की दोस्तों कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आपके सामने कवरेज रख रहा हूं कि आज की इस वीडियो में मुख्य बिंदु कवरेज के क्या क्या होंगे, व्हाट इज द न्यू प्रोविजन यानी 194Q का जो मुख्य प्रावधान है लॉ की लैंग्वेज से उसे समझने की कोशिश करेंगे, हु इज अ बायर क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीडीएस काटने की दोस्तों बायर पर है तो बायर कौन है इस सेक्शन के पर्पजेस से, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस सेक्शन से हमारे को पिक करने हैं वो समझने हैं, टीडीएस कब लागू नहीं होगा और रिलेवेंट क्वेरीज जो इस पर्टिकुलर सेक्शन से एमिनेट होती हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, और सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 1H जिसमें सेलर पर टीसीएस कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी 1 अक्टूबर 2020 से, उसका सर 194Q के साथ एक इंपॉर्टेंट कंपेरिजन भी हम देखने की कोशिश यहां पर करेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले आपके सामने व्हाट इज द न्यू प्रोविजन, ये नया प्रावधान क्या है वो रखने की कोशिश या बात मैं यहां पर करता हूं और मैं आपके साथ में सर सीधे सेक्शन पढ़ करके अपनी बात को रखने की कोशिश करूंगा कि ये सेक्शन बोलता है सर एनी पर्सन बीइंग अ बायर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेजिडेंट। एक एक शब्द सर जब हम लॉ से पढ़ते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता चला जाता है, एनी पर्सन बीइंग अ बायर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेजिडेंट हेयरआफ्टर इन दिस सेक्शन रेफर टू एज द सेलर फॉर द परचेज ऑफ एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज इन एनी प्रीवियस ईयर शेल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ द सेलर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट देयर ऑफ by any mode whichever is earlier deduct an amount equal to 0.1% of such sum exceeding 50 lakh rupees as income tax। अब मैं अगर इसे क्रक्स में आपके सामने रखने की कोशिश करूं तो आई कैन से कोई भी व्यक्ति चाहे वो इंडिविजुअल हो HUF हो अदर पर्सन हो जो बायर की परिभाषा को सेटिस्फाई करता है और वो बायर सर किसी रेजिडेंट पर्सन से माल परचेस कर रहा है जो कि एक सेलर है तो वो जो सेलर को जब पेमेंट करेगा या क्रेडिट करेगा ऐसे गुड्स के परचेस करने पर, अब यहां गुड्स अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको कहीं पर भी सेक्शन 194Q में दोस्तों डिफाइन नहीं किया और गुड्स शब्द को इनकम टैक्स एक्ट में भी डिफाइन नहीं किया गया, तो गुड्स से बाय डिफॉल्ट आप ये मतलब मान सकते हैं कि एक मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स की कैटेगरी में आएगी। तो जब आप एक मूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं एज अ बायर तो आपको सेलर से पेमेंट या क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर के टाइम पर 0.1% का टीडीएस काटना है, एज्यूमिंग दैट कि आपकी टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम सच पर्सन इज एक्सीडिंग 50 लाख। एक और बात ध्यान रखनी है दोस्तों, 50 लाख से ऊपर की परचेज पर ही टीडीएस काटना है, जैसे मान लीजिए 51 लाख रुपए की परचेज करी तो 50 लाख तक आपको टीडीएस नहीं काटना था, 50 लाख से ऊपर 1 लाख का क्वांटम हुआ उस पर आपको 0.1% की रेट से टीडीएस काटना है। तो ये एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग हमें इस सेक्शन की रीडिंग से स्ट्रेट अवे डेवलप करने को मिलती है। अब देखिए दोस्तों बायर की परिभाषा क्या है, उसको परिभाषित किया गया, उसको डिफाइंड किया गया है सेक्शन 194Q में, और सेक्शन 194Q में बोला बायर मीन्स अ पर्सन whose total sale, gross receipt or turnover from the business carried on by him exceed 10 crore rupees during the financial year immediately preceding the financial year in which the purchase of goods is carried out, not being a person as the central government may by notification in official gazette specify for this purpose subject to such condition as may be specified there। मैं इसे सरल शब्दों में अगर बोलूं तो बायर में वो सभी व्यक्ति शामिल हैं सर
जिनका पिछले वित्त वर्ष में, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि ये प्रावधान लागू हो रहा है 1 जुलाई 2021 से, तो इससे पिछला वित्त वर्ष हुआ दोस्तों 2020-2021, यानी 2020-2021 में इफ अ पर्सन टोटल सेल ग्रॉस रिसीट टर्नओवर हैज एक्सीडेड 10 करोड़ रुपीज एंड ही इज अ बायर, सच पर्टिकुलर टर्नओवर वुड बी काउंटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। यानी आप बिजनेसमैन हैं और आपका टर्नओवर टोटल सेल या ग्रॉस रिसीट 10 करोड़ से ज्यादा का है, तो अब आप एक बायर की डेफिनेशन में आते हैं। अब आपकी लायबिलिटी क्या है? जब आप इस साल में यानी 1 जुलाई 2021 ऑनवर्ड्स किसी भी व्यक्ति से 50 लाख से ज्यादा के गुड्स परचेस करेंगे, तो आपको 0.1% की रेट पर टीडीएस सेक्शन 194Q के अंदर काटना होगा। तो दोस्तों, जो मैंने आपके सामने बेयर एक्ट की रीडिंग करी, उसी को दोबारा की पॉइंट्स के रूप में आपके सामने रखता हूं। नंबर वन, हु इज रिस्पॉन्सिबल? अ बायर विद ग्रॉस रिसीट्स टोटल सेल टर्नओवर एक्सीडिंग रुपीज 10 करोड़ इन अ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी ऐसा बायर सर, ऐसा व्यक्ति जो कि परचेजर है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, HUF हो, पार्टनरशिप फर्म हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, लिमिटेड कंपनी हो, ट्रस्ट हो, और उनका पिछले वित्त वर्ष की ग्रॉस रिसीट टोटल सेल टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा के हैं, तो उनको टीडीएस काटने की आवश्यकता है। टीडीएस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम होम? टीडीएस आपको काटना है सर एक रेजिडेंट सेलर से। यानी नॉन रेजिडेंट सेलर है तो आपको 194Q में टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है। एज्यूमिंग दैट कि वो जो पर्टिकुलर वेंडर आपको गुड सेल कर रहा है, उसकी टोटल सेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 50 लाख से ज्यादा की है, तो 50 लाख से ज्यादा की सेल पर ही सर आपको टीडीएस काटना है। यानी आपके पॉइंट ऑफ व्यू परचेज, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू सेल्स। एट व्हाट रेट दिस टीडीएस विल अप्लाई? इट विल अप्लाई एट द रेट 0.1% ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 50 लाख। हाउएवर, एज पर सेक्शन 206AA, अगर सामने वाला सेलर अपना पैन नहीं दे पाता, आधार नहीं दे पाता, तो आपको 5% की रेट पर सर टीडीएस काटना पड़ेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात सर, कि टीडीएस काटने का टाइम क्या है? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। यानी आपने सामने वाले को अपनी बुक्स में क्रेडिटर दिखा दिया, या आपने फॉर एन एग्जाम्पल एडवांस पेमेंट कर दिया, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा, आपकी टीडीएस काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 जुलाई 2021 से प्रारंभ होगी। एक बात और दोस्तों यहां क्लियर करना चाहता हूं कि टर्नओवर जो 50 लाख से ऊपर की गणना है, उसकी गणना पूरे वित्त वर्ष 2021-22 के लिए करी जानी है। यानी फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने किसी व्यक्ति को 10 अप्रैल को उससे माल परचेस किया 40 लाख रुपए का। अब मैंने 2 जुलाई 2021 को उससे 20 लाख का माल और लिया, तो मेरी अब टोटल परचेज उस व्यक्ति से मिला के दोस्तों 60 लाख की हो चुकी है। जब 60 लाख की टोटल परचेज हो गई, तो जैसे ही 50 से ऊपर गया, यानी 50 से ऊपर 10 लाख, इस 10 लाख पर सर मुझे अब 0.1% की रेट से टीडीएस सेक्शन 194Q की वजह से अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अपनी बात को अब मैं आपके सामने उदाहरण के रूप में रखता हूं, लर्न बाय एग्जाम्पल। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, आई एम एक्स और मेरा पिछले वित्त वर्ष 2020-21 का टर्नओवर पहले केस में मैं आपके सामने रखता हूं, केस वन में 8 करोड़ रुपए था। इस साल मैंने मेरे एक पर्टिकुलर सेलर जो कि मुझे माल सप्लाई करते हैं, उनसे 55 लाख रुपए का माल परचेस किया, यानी 50 लाख से ऊपर चला गया। लेकिन क्योंकि दोस्तों मेरा पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर नहीं था, तो मुझे टीडीएस काटने की आवश्यकता सेक्शन 194Q में नहीं है। अब देखिए केस टू, मेरा पिछले साल का टर्नओवर सर 12 करोड़ था और इस साल मैंने वाई से माल किया परचेस 40 लाख रुपए का, मुझे फिर टीडीएस काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए सर, कि मेरा पिछले साल का टर्नओवर 22 करोड़ था, इस साल मैंने 60 लाख रुपए का माल परचेस कर लिया वाई से, तो मुझे 60 लाख यानी 50 लाख से ऊपर का जो 10 लाख का वैल्यू है, उस पर टीडीएस काटना है सर 0.1% की रेट से। और चौथा केस देखिए सर, अगर मेरा पिछले साल का टर्नओवर था 45 लाख, इस साल का टर्नओवर है 15 करोड़, ठीक है, और टर्नओवर छोड़िए, मेरी अकेली परचेज आ रही है वाई से 15 करोड़ की, तो भी मुझे टीडीएस काटने की कोई आवश्यकता सेक्शन 194Q सेक्शन में किसी भी प्रकार से नहीं है। अब दोस्तों, क्योंकि हम सेक्शन 194Q का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें यह भी समझ में आना चाहिए कि व्हेन टीडीएस प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194Q शैल नॉट अप्लाई, और ये बात सेक्शन 194Q में भी लिखी है, द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ ट्रांजेक्शन ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। जैसे मान लीजिए सर, कोई वर्क कॉन्ट्रैक्टर है
सेक्शन 194C में वो आपके लिए कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहा है जिसमें माल भी उसी को लगाना है, लेबर भी उसी को लगाना है, एंड से फॉर एग्जांपल 5 करोड़ रुपए की टोटल सप्लाईज वहां पर उससे आपको मिलेगी, इंक्लूडिंग लेबर एज वेल एज द सप्लाई। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, चाहे आप 194Q के क्राइटेरिया में आ रहे हैं क्योंकि आप अदरवाइज उस व्यक्ति का 194C में TDS पहले से काट रहे हैं 1 जुलाई 2021 से पहले, तो ऐसी परिस्थिति में सर आपको अब सेक्शन 194Q में TDS नहीं काटना, आप 194C में काटते रहिए। यानी जहां आप किसी और सेक्शन में TDS काटने की जिम्मेदारी पर हैं तो आपको 194Q की कंप्लायंस नहीं करनी। इसी प्रकार दोस्तों, अगर किसी प्रकार से आप जो माल परचेस कर रहे हैं उस पर TCS की रिक्वायरमेंट आती है, और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके सुनिएगा सर, अदर देन अ ट्रांजेक्शन टू विच सबसेक्शन 1H ऑफ 206C अप्लाइज। ये क्यों बात आई कि 206C सबसेक्शन 1H में एग्जैक्टली लगभग सिमिलर सर्कमस्टांसेस में सर सेलर के ऊपर TCS कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है, और यही बोन ऑफ कंटेंशन है 194Q में और 206C सबसेक्शन 1H में कि TCS का प्रावधान पहले से होने के बावजूद भारत सरकार ने इधर TDS का प्रावधान और अप्लाई कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि दोनों में ओवरलैपिंग ही है, लेकिन कुछ हद तक सर 206C सबसेक्शन 1H और सेक्शन 194Q इन दोनों में ओवरलैपिंग भी आती दिख रही है। हालांकि भारत सरकार ने अपनी ओर से उस ओवरलैपिंग को क्लियर करने के लिए जरूर कहा कि अगर TCS 206C में कट रहा है यानी कलेक्ट हो रहा है तो आपको TDS नहीं काटना, लेकिन लिख दिया कि अगर TCS 206C सबसेक्शन 1H का मैटर है तो सबसेक्शन 1H में जो सेलर है वो TCS नहीं कलेक्ट करेगा, बायर फिर TDS काटेगा सर सेक्शन 194Q के अंदर। और एक और बात सर कि TDS काटने की जिम्मेदारी तब भी नहीं है जब आप जिस व्यक्ति से परचेस कर रहे हैं वो व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है। तो आई होप यू विल टेक केयर अबाउट दीज पॉइंट्स। कुछ क्वेरीज दोस्तों जो मेरे दिमाग में आई, स्टडीज से आई, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि हम उनका भी उत्तर जाने 194Q के पर्पस से। वेदर कैपिटल गुड्स आर ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस सेक्शन, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल गुड्स का मतलब हम समझते हैं कि हमारा जो स्टॉक इन ट्रेड होता है जिसे हम बेचते हैं, क्योंकि लॉ में क्लैरिटी नहीं है, गुड्स की डेफिनेशन नहीं है, तो सर ऐसा प्राइमा फेसाई प्रतीत होता है दैट द कैपिटल गुड्स वुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पसेज ऑफ सेक्शन 194Q। इसको उदाहरण से समझिए, मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी है, उनकी ग्रॉस रिसीट है सिर्फ 15 करोड़ रुपए की, इस साल उनका एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें वो 75 लाख रुपीज का मार्बल परचेस कर रहे हैं। नाउ दिस 75 लाख रुपीज मार्बल इज सपोज टू बी कैपिटलाइज, बट सिंस दे आर द गुड्स सो दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194Q ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज। वट इफ द गुड्स वर परचेज बिफोर 1st of July 2021 ऑलरेडी एक्सीडेड 50 लाख। अब ये भी एक प्रैक्टिकल इशू है सर कि मान लीजिए आपने ऑलरेडी, क्योंकि ये प्रावधान 1 जुलाई 2021 से लागू है, अब आपने 1 जुलाई 2021 से पहले ही सामने वाले से 65 लाख रुपए का माल ले लिया और ये प्रावधान 1 जुलाई 2021 से लागू हो गया, तो फिर जो 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा है सर, क्या उसके ऊपर TCS काटने की आवश्यकता आएगी क्या? मेरी प्राइमा फेसाई ओपिनियन ये है दोस्तों कि यहां पर लास्ट ईयर CVDT की ओर से TCS के मैटर में एक सर्कुलर लेकर के आए थे और उस सर्कुलर के थ्रू ये क्लैरिटी दी थी कि आपने 1 अक्टूबर 2020 से पहले अगर स्पेसिफाइड सेल हो चुकी है तो आपको उस पर TCS कंप्लायंस की जरूरत नहीं। तो मेरा मानना है वैसी ही व्यवस्था यहां पर भी होनी चाहिए, यानी अगर आप 65 लाख रुपए की परचेस कर चुके 1 जुलाई 2021 से पहले, अब आपने 3 लाख की परचेस 1 जुलाई 2021 ऑनवर्ड्स और करी, तो केवल इस 3 लाख रुपए पर आपको 0.1% का TDS काटना है। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, वेदर सेल्स वैल्यू टू इंक्लूड GST और नॉट। इस संदर्भ में दोस्तों वापस से लॉ में कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैं रेफरेंस निकालने की कोशिश कर रहा हूं CVDT सर्कुलर नंबर 23/2017 से, जिसमें CVDT ने यह कहा कि आप अगर सामने वाले से सप्लाई ऑफ सर्विसेज ले रहे हैं तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में GST कंपोनेंट पर TDS काटने की आवश्यकता नहीं। लेकिन CVDT की ओर से सेल्स के केस में GST पर TDS काटने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है सर कि सेफर ओपिनियन ये होगी कि प्रेजेंटली आपकी सेल्स वैल्यू इंक्लूडिंग GST पर आपको 0.1% का TCS कलेक्ट करके सामने वाले को पेमेंट करना है।
एक और क्वेश्चन, वेदर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन आर ऑल्सो कवर्ड अंडर सेक्शन 194Q। ठीक है, तो देखिए सर क्या है कि मैंने अभी एक सर्कुलर की बात करी थी अपने इस पॉइंट पर, उसी सर्कुलर का एग्जैक्ट रेफरेंस आपके सामने ले आया हूं, सर्कुलर नंबर 17/2020। यह सर्कुलर आया था दोस्तों सेक्शन 194Q के समान सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H पर, जो सेलर पर टीसीएस कलेक्शन की लायबिलिटी डालता था। तो सर्कुलर नंबर 17/2020 से सीबीडीटी ने यह क्लैरिफिकेशन दिया था कि हम सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन पर टीसीएस की अपेक्षा नहीं करते। इसी प्रकार सर अगर वो रेफरेंस यहां लिया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शंस पर 194Q का टीसीएस एप्लीकेबल ना हो, लेकिन मैं अभी भी स्पष्ट रूप से कहूंगा सर, क्योंकि सीबीडीटी ने फुल क्लैरिटी नहीं दी है, तो टाइम बीइंग ये मैटर फ्री ऑफ डाउट नहीं है, फ्री फ्रॉम डाउट नहीं है, और सीबीडीटी को इस विषय में भी सर्कुलर ला करके जल्द से जल्द क्लैरिटी देनी चाहिए इन द फेवर ऑफ असेसीज एट लार्ज। अब दोस्तों आपके सामने 194Q वर्सेस 206C1H, यानी इन दोनों का एक कंपैरिजन एक चार्ट फॉर्मेट में रखने की कोशिश करता हूं कि एक और दोस्तों मैंने सेक्शन उठा लिया 194Q और एक और मैंने सेक्शन उठा लिया 206C1H। ये जो सेक्शन है नया सेक्शन ये लग रहा है 1 जुलाई 2021 से, और दोस्तों 206C1H एप्लीकेबल हो चुका है 1 अक्टूबर 2020 से। जैसा कि हमने अभी भी समझा कि सेक्शन 194Q जो नया प्रावधान है ये बायर पर लागू है, जबकि 206C सेलर पर टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी देता है। एप्लीकेबिलिटी का टाइम 194Q में है पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, जबकि 206C में सर रिसीट ऑफ कंसिडरेशन, यानी आपने सामने वाले को डेबिट कर दिया, टीसीएस नहीं कलेक्ट करना। जब आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं कंसिडरेशन, तब आपको टीसीएस कलेक्ट करना। रेट देखिए दोस्तों, यहां पर रेट बाय डिफॉल्ट है 0.1%। हाँ, अगर पैन या आधार नहीं है तो 5% की रेट पर टीडीएस कलेक्ट करना है, टीडीएस काटना है, कलेक्ट नहीं काटना है। इसी प्रकार से सर टीसीएस का भी 206C में सबसेक्शन 1H में रेट वहां पर भी 0.1% है, लेकिन वहां पैन या आधार ना होने पर सर जो टीसीएस की रेट है वो 1% की है। दोनों में यहां पर डिस्पेरिटी। वेन नॉट एप्लीकेबल, टीडीएस कब लागू नहीं है 194Q में? इफ टीडीएस टीसीएस एप्लीकेबल अंडर एनी अदर सेक्शन एक्सेप्ट 206C1H, के 206C1H को छोड़ दीजिए। ये तो लॉ का बड़ा क्लियर मेंशन आ गया है सर कि 194Q में और 206C1H में फाइट हो गई, तो हु विल प्रिवेल? 194Q विल प्रिवेल। लेकिन मान लीजिए 194Q से पहले किसी और टीडीएस सेक्शन में या टीसीएस का कोई और प्रावधान सबसेक्शन 1H ऑफ 206C के अलावा एप्लीकेबल होता है, तो फिर वहां पर सर 194C भी लागू नहीं होगा। इसी प्रकार दोस्तों 206C1H कब लागू है? जब 194Q एप्लीकेबल नहीं है। टर्नओवर फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यहां सर हम बायर का टर्नओवर देखेंगे कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में बायर का टर्नओवर PFI यानी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 10 करोड़ से ज्यादा हो, जबकि 206C1H में टर्नओवर ऑफ सेलर देखना है सर जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा हो। अब कई यहां पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे सर। अगर बायर का टर्नओवर मान लीजिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा करें, पर सेलर का टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा करें, तो ऐसी परिस्थिति में फिर सेलर को टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। आगे देखिए सर, सेक्शन 194Q में केवल बायर टर्म को डिफाइन किया गया, जबकि 206C1H में बायर एज वेल एज सेलर दोनों को डिफाइन किया है। तो प्रिसाइज रेफरेंस के लिए आई वुड सजेस्ट इफ यू कैन गो टू द रिलेवेंट सेक्शंस एंड फाइंड आउट द क्रक्स ऑफ देम बाय वे ऑफ हैविंग अ रीडिंग ऑफ बेयर एक्टिव। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि 194Q पर बनाई गई ये वीडियो आप तक कुछ क्लैरिटी उपलब्ध कराने में निश्चित रूप से समर्थ रहेगी। हालांकि इस विषय में सीबीडीटी को अभी एक सर्कुलर के साथ और क्लैरिटी देनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है सर, भारत सरकार जब भी कोई सेक्शन को लागू करती है उसको लागू करते समय ही उसके FAQs भी साथ के साथ लागू करने की व्यवस्था होनी चाहिए, न कि जनता को खुला छोड़ देना कि भाई ठीक है देख लेते हैं अभी क्या इंटरप्रिटेशन बनती है एंड देन वी विल गिव यू एन ओपिनियन। जब हम लॉ मेकिंग करने की ताकत रखते हैं तो सर हमारे को लॉ का एक इंटरप्रिटेशन, लॉ का ग्रास्पिंग का तरीका का ताकत भी जनता जनार्दन तक पहुंचानी पड़ेगी। एंड आई होप माई दिस सजेशन विल रीच आउट टू द अथॉरिटीज एंड दे विल बी एबल टू वर्क ऑन दीज पर्टिकुलर FAQs ऑल्सो एज अर्ली एज पॉसिबल, नॉट ओनली ऑन 194Q बट ऑल्सो बिकॉज एनी रेवेन्यू लॉ कैन नेवर बी ईजी, बट वेन एवर द अथॉरिटी कंसर्न इशूज FAQs देन एटलीस्ट सम क्लैरिटी इज डिराइव। सो इस तरीके की क्लैरिटी दोस्तों 194Q पर भी और जल्दी हम अपेक्षा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। जय हिंद।